हाँ जी बच्चा लोग प्रणाम, दिस साइड इज चिराग एंड लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस 8th पॉइंट तक कर लिया था, जहाँ मैंने आपको रिटायरमेंट बाय रोटेशन सिखाया था और बताया था कि कभी भी कोई फिक्स्ड टेन्योर वाले डायरेक्टर्स अगर होते हैं तो उनको कभी भी अपन काउंट पे नहीं लेते। अब हमें स्टार्ट करना था मीटिंग्स के साथ, दैट इज AGM। बट आई थिंक AGM समझने से पहले बच्चे थोड़ा सा आपको मेरे को ना जनरल मीटिंग्स के बारे में और मीटिंग्स क्या होती है वो समझाना है। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चलते हैं आपके बोर्ड के ऊपर। अब बेटा समझना कैसा है, ये आपकी कंपनी है। मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में समझाया था बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा और बताना जरूरी है। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैंने आपको नहीं बताया था, मैं इन डिटेल ही वापस से बताऊंगा। जब आप कंपनी की बात करते हो तो बच्चे देखो कंपनी में ना दो सेगमेंट होते हैं, एक आप जिनको बुलाते हो आपके ओनर्स, जिनको ओनर्स को आप अपने शेयर होल्डर भी बुलाते हो, इन्हीं को आप अपने सब्सक्राइबर भी बोलते हो, इन्वेस्टर्स जो बोलना है बोलो। एक तरफ तो ये होते हैं, ये एक्चुअली दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इनटू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ कितना बेटा, दे आर नॉट इन्वॉल्व इनटू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ कितना है, इनका काम है कि जब कभी भी कंपनी के कोई मेजर डिसीजन होंगे जिसके लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है, जिसके लिए ओनर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है, ये तब आते हैं बीच में। तो इनका काम पैसा लगाना है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व्ड इन द I'm not well। अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लगे तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हमारे टीम में हम सब लोग शायद तक थोड़े थोड़े बीमार होते जा रहे हैं एंड आई तो सिंसियरली फील कि आई एम नॉट वेल। तो थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो आई एम वेरी सॉरी यार, आई विल ट्राई कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना है। बट मेरी एनर्जी जो कम है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर इन्वॉल्व इन टू द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया हमको। सो दे आर इन्वॉल्व इन टू डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। सो नाउ इनका काम होता है मैनेजमेंट डिसीजंस लेना। अब ये मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते हैं तो आपके सामने ना, मैंने आपके सामने दो तरीके के लोग रखे, एक जो मिलके मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं और एक जब कोई मेजर डिसीजन होता है तब आते हैं। अच्छा बच्चे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई सिंगल पर्सन है ना शेयर होल्डर्स कोई सिंगल पर्सन है, तो बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में। तो मान लीजिए जब कभी भी एक कंपनी को मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजन लेने होते हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है तो वो बुलाते हैं बोर्ड मीटिंग। सिंपल है यार, वो बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं। और जब कभी भी किसी कंपनी को किसी चीज से अपने शेयर होल्डर्स यानी कि अपने ओनर्स से अप्रूवल लेना होता है तो वो लोग बुलाते हैं अपनी जनरल मीटिंग में, उसको आप क्या बोलते हो, जनरल मीटिंग बोलते हो। सिंपल है, बहुत ही इजी था समझना। तो याद रखना अब से अगर कभी मैं बोर्ड मीटिंग बोलूं तो ये मैनेजमेंट की कंपनी की मीटिंग होती है, और जबकि अगर मैं शेयर होल्डर्स मीटिंग बोलूं तो उसको आप जनरल मीटिंग बोलते हो। अब बच्चे जनरल मीटिंग कितने कितने तरीके की होती है, अब देखो मैं आपको समझाता हूं ना मीटिंग्स। आप अगर जब मीटिंग्स की बात करोगे ना तो किस किस तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है आपकी बोर्ड मीटिंग, दूसरी होती है आपकी मेंबर्स मीटिंग, मेंबर्स मीटिंग मतलब है आपकी AGM EGM, और तीसरी आप अपनी स्पेशल मीटिंग्स बुलाते हो, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी थी, मान लीजिए सिर्फ क्रिएटर्स की मीटिंग बुलानी थी, तो वो तीसरा सेगमेंट होता है। थैंकफुली अपने को तीसरा सेगमेंट यहाँ पे डील नहीं करना है, हमको बोर्ड मीटिंग और मेंबर्स मीटिंग के बारे में देखना था। अब बच्चों मेंबर्स मीटिंग मतलब जिसके अंदर मेंबर्स आते हैं, तो कौन सी ऐसी मीटिंग्स होती है जिनके अंदर मेंबर्स आते हैं। राजा आप AGM बोल लो, अभी अपन वही पढ़ने वाले हैं सेक्शन 96, इसके अंदर मेंबर्स आते हैं। आप EGM बोल लो,
इसके अंदर मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये दो अपन मीटिंग्स बांधते हैं जिसके अंदर मेंबर्स आते हैं, एजीएम और ईजीएम। क्या होता है मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ, बस अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो आपने लिख लिया है, ठीक है एकदम। सो नाउ वी हैव द बेसिक आइडिया कि कंपनी में दो तरीके की टीम्स होती हैं, एक होती है भाई हमारे जो मैनेजमेंट संभालती है, एक जो हमारे ओनर्स हैं। ओनर्स वाली मीटिंग को आप जनरल मीटिंग बुलाते हो और बोर्ड वाली मीटिंग को आप बोर्ड मीटिंग बुलाते हो। मीटिंग्स में बोर्ड मीटिंग्स का भी डिस्कशन होगा अभी और मेंबर्स मीटिंग का भी डिस्कशन होगा। अब अपन मेंबर्स मीटिंग में सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, एजीएम। सर आप अपने इसने बोला है आपने एनुअल जनरल मीटिंग, तो ऑब्वियसली सर एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब होता है एक ऐसी मीटिंग, बच्चे वापस सुनना, एक ऐसी मीटिंग जो हर कंपनी को, एवरी कंपनी शुड डू एट द एंड ऑफ द ईयर। भैया आपका जब पूरा साल खत्म हुआ तो आप एक एजीएम बुलाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ताकि भैया हम हमारे सारे शेयर होल्डर्स को बुला पाए। आप शेयर होल्डर्स बोल लो, मेंबर्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। मैंने आप लोग को बताया था ना शेयर होल्डर्स मेंबर्स क्या होते हैं बच्चे, एक थिन लाइन डिफरेंस सिखाया था। तो आप अपने शेयर होल्डर्स को बुला लीजिए, मेंबर्स को बुला लीजिए और वहां पे उनको बुला के क्या करना है, अपन उनको बुला के इस पूरे साल में हमने क्या किया उसकी एजीएम में बताते हैं इनको, एजीएम में उनको बताते हैं कि भैया हमने पूरे साल के अंदर ये सारा काम किया है। अब बेस्ड ऑन दिस हम लोग कुछ परमिशंस देते हैं, कुछ अप्रूवल्स, कुछ यू नो जो भी हमको डिसीजंस लेने हैं, जो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल वाले होते हैं वो हम इसी में लेते हैं। अब ये हमारी एजीएम है। इज एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम? जी सर। सो अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम, ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं। अब प्राइवेट कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कम है, पर है ना, तो बताना तो पड़ेगा आपने पूरे साल में क्या किया है। पर राजा एक बात बताना, जब तुम वन पर्सन कंपनी की बात करते हो भैया ये तो इकलौता ही मेंबर है। अब सोच के देखो, जब इकलौता ही मेंबर है तो इसके लिए पूरी एजीएम बुलाने का क्या फायदा है? क्या मतलब ये खुद ही बुलाएगा आ जाओ, फिर ये खुद ही बोलेगा आ गया, फिर खुद ही बोलेगा बताओ, ये फिर खुद ही को दिखाएगा हाँ जी, फायदा ही नहीं है ना, ये तो इकलौता मेंबर है। तो इसीलिए याद रखना एमसीक्यू के लिए कि सिर्फ ओपीसी वन पर्सन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एजीएम। बच्चे इनको एजीएम नहीं करना पड़ता, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। प्रीटी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। नाउ गोइंग अहेड अबाउट पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, इनको तो करना ही है 100% एजीएम करनी है। सर पहले हमको थोड़ा एजीएम का जनरल बात बताइएगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एजीएम कितने टाइम में बुला लेनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एमसीक्यू आने का बहुत चांस है बेटा। तो द क्वेश्चन इज विद इन हाउ मैनी डेज एजीएम शैल बी कॉल्ड, मतलब कितने दिन के अंदर एजीएम बुला लेनी चाहिए। अब एक बात हमेशा याद रखना, एजीएम साल के अंत में होती है और कंपनी का साल कब एंड होता है, दैट इज एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 31st of March, ये आपका साल खत्म हुआ तभी आप लोगों को बुला सकते हो ना। तो अब देखो सबसे पहले बेसिक रूल समझना, फिर आपको नई एडवांस रूल सिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, 5-7 मिनट लगेंगे समझने में, बस धीरे धीरे समझना। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू, वापस पढ़ना मैं क्या लिख रहा हूं, टू कॉल एंड होल्ड, मतलब बुला भी लेनी है और होल्ड भी कर लेनी है, मतलब लोगों को बुला भी लेना है होल्ड भी करना है। सर तो बात तो बराबर ही है? नहीं बेटा, एजीएम का एक बड़ा नोटिस भेजना पड़ता है ताकि लोगों को भी तो पता पड़े। ऐसा तो नहीं ना कि भाई कल ही बुला लेंगे। आपके घर में शादी होती है तो क्या आप एक दिन पहले मेहमान को बुलाते हो? आप बहुत दिन पहले बोल देते हो ना। तो वैसे ही जब इतनी बड़ी इवेंट है तो अपने को नोटिस भी भेजना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है कि नोटिस भी चला जाना चाहिए और मीटिंग होल्ड भी हो जानी चाहिए। कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉल एंड होल्ड द एजीएम विद इन 6 months। तो फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंतराल में आपको मीटिंग कॉल भी कर लेनी है और मीटिंग होल्ड भी कर लेनी है, नहीं किया तो फाइन लगेगा आपको ईच एंड एवरी डे का, ठीक है। ये सबसे बेसिक बात थी। अच्छा अब ये तो हमको समझ में आ गया, सर तो मतलब बहुत नॉर्मल है ना, मतलब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है 31st of March और अगर उससे मैं 6 महीने गिनूं तो 30th of September आता है, जो इस दुनिया में सबसे अच्छा दिन है, आप समझ ही गए होंगे क्यों। नहीं नहीं यार, जस्ट बिकॉज मैं उस पर पैदा हुआ था जरूरी नहीं, बट एक्चुअली अच्छा दिन है बहुत।
31 मार्च से 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30 सितंबर आता है, दैट्स द लास्ट डे, जब तक आपको एजीएम बुलाई लेनी है, इसके पीछे नहीं जा सकते आप, दैट्स द लास्ट थिंग। आपने कहा चलो ये भी ठीक है भैया। अब आपने तो कह दिया सर फिर तो बस सीधा याद रखेंगे 30 सितंबर से पहले मीटिंग बुला देनी, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो, और कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल है, ये रूल आपका फर्स्ट रूल था, ठीक है, याद रहेगा। पर इसी में एक रूल और लगता है और इन दोनों रूल को साथ में पढ़ना होता है, तो अपन सेकंड रूल सीखते हैं। सेकंड रूल ये कहता है कि भैया आपकी प्रीवियस एजीएम, मतलब पिछले साल में भी तो आपने एजीएम की होगी ना, आपकी प्रीवियस एजीएम से जब हम अपनी ये जो करंट एजीएम कर रहे हैं, मतलब इस साल की एजीएम करेंगे, इसके बीच में मैक्सिमम गैप, इसके बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो क्या कहता है, पिछली एजीएम से आपकी करंट एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो अब जब मैं इन दोनों रूल को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या सम टोटल आता है, दैट द एजीएम of a company should be held within 6 months from the end of financial year and the gap between the last AGM and the current AGM shall never exceed more than 15 months। हाँ जी सर, ये रूल भी समझ में आ गया। सर क्या इसको और सिंप्लीफाई करके कोई छोटा फॉर्मूला दे सकते हो क्या? लो, अब एक ही फॉर्मूला याद रख लो, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम, 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर, खत्म। करके देखना है, करके देख लो। मान लीजिए कि आपकी लास्ट एजीएम हुई थी 30th of April को, आपकी लास्ट एजीएम हुई थी 30th of April को, मान लेते हैं 30th of April 2019, इट वॉज 2019। नाउ द कंपनी हैज आस्क्ड यू कि सर इसकी नेक्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए, द कंपनी हैज आस्क्ड यू कि इसकी नेक्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए। आपने कहा सर अभी कर देते हैं, चिराग सर ने सिखाया था कि 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल का सर फाइनेंशियल ईयर एंड होगा हमारा 31st of March 2020, ये आपकी लास्ट ईयर की एजीएम डेट है, लास्ट ईयर एजीएम इस डेट पे हुई थी, एजीएम डेट, ठीक है सर। इस साल का फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 31st March 2020 को, हो गया सर। चलो लेट्स सर कैलकुलेट कर लेते हैं, सर रूल बताया सर ने 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो या तो हम लोग 30th September से पहले मीटिंग कर लें या फिर 15 मंथ गिनने सर, तो सर 30th April 2019 से 30th April 2020 हो गए 12 महीने, फिर मई, जून, जुलाई, तो जुलाई 30th तक 15 महीने हो गए, तो सेकंड डेट जो हमारे को 15 महीने के हिसाब से आ रही है वो आ रही है 30th of July, ठीक है, 30th April को हुई थी, 30th April से 30th April 2020 12 महीने, जून सॉरी मई, जून, जुलाई, 3 महीने, 12 + 3 = 15 महीने। तो आपने कहा सर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स की तारीख आ रही है 30th September और 15 महीने की तारीख आ रही है 30th July, आपने रूल सिखाया है 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर। तो सर यहां पे हम इसके ऊपर लिख देते हैं विच एवर इज अर्लियर, तो ऐसे केस में सर 30th July 2020 इज एन अर्लियर डेट, सो द लास्ट डे, द दिस इज द लास्ट डे बाय विच, दिस इज द लास्ट डे बाय विच AGM shall be called, वापस देखना, AGM shall be called
एंड हेल्ड हो भी जानी चाहिए, याद रहेगा, सिर्फ बुलाना नहीं है, होल्ड भी हो जानी चाहिए। बिल्कुल सिंपल था, बहुत ईजी समझ में आ गया। जी सर आगे समझ में, आप पढ़ा रहे हो कभी डाउट आ सकता है क्या यार, मतलब क्या ही बात कर दी आपने। सो नाउ माई किड्स नो विद इन हाउ मेनी डेज एजीएम शैल बी हेल्ड। इट्स प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एजीएम की बात तो सर हमें समझ में आ गई। सर आप एक चीज तो बताओ, जो आप बार बार बोल रहे थे ना, इट शुड बी रिक्वायर्ड टू कॉल एंड होल्ड, कॉल एंड होल्ड, वाई वर यू एक्चुअली सेइंग कि कॉल हो जानी चाहिए, कॉल हो जानी चाहिए। क्या कोई कॉल होने का मतलब कुछ प्रोविजन होता है? बिल्कुल होता है। आ जाइए अब सेकंड चीज सीखनी अपने को कि भैया नोटिस कितने दिन पहले भेज देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी एक कंपनी एजीएम कॉल करना चाहती है, वेन शुड द नोटिस बी सेंड? अब सर हमको नोटिस के बारे में, अच्छा नोटिस बोलूं या बोलूं कि मीटिंग कॉल करना, बात तो बराबर ही है ना। मैं आपको नोटिस भेज के क्या कर रहा हूं, बुला ही रहा हूं। सो व्हेन आई एम सेइंग द मीटिंग शुड बी कॉल्ड, आई मेंट दैट द नोटिस शुड बी सेंट। सो नाउ सर नोटिस कैसे भेजना है, क्या करना है? अब देखिए, अब है ना नोटिस कैसे बनता है अपने को वो नहीं सीखना। आप CA CET में जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपको कंपनी लॉ के भगवान खुद विकास वोरा जी अच्छे से सिखाएंगे कि नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्री प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग भी वही सिखाते हैं आपको। तो ये इसी तरीके से सीक्वेंस है। मेरे को आपको नोटिस बनाना नहीं सिखाना, मेरा काम क्या है आपको ये सिखाना कि नोटिस बनने के बाद हमको क्या करना है, नोटिस बनने के बाद हमको क्या करना है। तो लेट्स से हमको मीटिंग है, लेट्स से एक्स, आपने आपने मीटिंग की डेट डिसाइड की होगी ना। सो लेट्स से एक्स इज द डेट ऑफ द मीटिंग। हमने कहा भैया एक्स इज द डेट ऑफ द मीटिंग, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन पहले नोटिस दोगे। तो रूल क्या कहता है कि इस मीटिंग के 21 क्लियर डेज पहले, इस मीटिंग के जो जिस दिन मीटिंग करने वाले हो उससे 21, अच्छा बेटा जब मैं बोल रहा हूँ 21 क्लियर डेज, आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर कि 21 क्लियर डेज होना चाहिए। क्यों क्लियर डेज होना चाहिए बता रहा हूँ आराम से, डोंट यू वरी विद दैट। 21 क्लियर डेज पहले आपको नोटिस सेंड कर देना है, आपको नोटिस सेंड कर देना है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी समझ में आ गया होगा, मैम प्रीटी श्योर आपको आ गया होगा। अब सर आपने कहा ना, सर अगर आपने यहाँ पे 21 डेज लिखा होता तो हमको समझ में आया था, पर फिर आपने लिखा है 21 क्लियर डेज। तो अब सर 21 क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? राजा 21 क्लियर डेज का मतलब है कि 21 दिन वो नोटिस, मतलब मान लीजिए इफ दिस इज द नोटिस, इफ दिस इज द नोटिस, तो 21 दिन के लिए ये नोटिस मेरे हाथ में होना चाहिए। 21 दिन के लिए नोटिस मेरे हाथ में होना चाहिए। अब समझते हैं कि सर 21 दिन के लिए नोटिस हाथ में कैसे होगा। तो ये क्या बोलता है, वाइल आपको जब कैलकुलेट करना हो ना कि 21 क्लियर डेज क्या होते हैं, सो वाइल कैलकुलेटिंग 21 क्लियर डेज, वाइल कैलकुलेटिंग 21 क्लियर डेज क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नाउ मान लो एक्स इज द डेट ऑफ सेंडिंग, तो भैया जिस दिन आपने नोटिस भेजा क्या उस दिन उसके हाथ में नोटिस पहुंच गया होगा? आपने कहा नहीं सर, जिस दिन हमने नोटिस भेजा उस दिन कैसे उनके हाथ में नोटिस पहुंच जाएगा, उस दिन उनके हाथ में नोटिस नहीं जाता है। सो व्हाट वी से, व्हाइल कैलकुलेटिंग 21 क्लियर डेज एक्स, यानी कि ये जो डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस होता है उसको नहीं गिना जाता है, डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस नहीं गिना जाता है। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग टू बी अंडरस्टूड, हम समझ गए एक बात। सर अब एक बात, अच्छा आपने नोटिस तो भेज दिया, क्या आज ही उसको नोटिस मिल जाएगा? नहीं सर, हमने पोस्ट किया है। तो इंडियन पोस्ट एक्ट क्या बोलता है भैया कि आप जब किसी को नोटिस सेंड करते हैं तो एटलीस्ट टू डेज का ट्रांजिट पीरियड होता है। ट्रांजिट मतलब भेजने का टाइम लगता है, इट इज टू डेज ट्रांजिट पीरियड। तो अब एक चीज समझना, मैं इस एक्स की जगह पे वन लिख रहा हूं, तो वन डे इज द डेट ऑफ सेंडिंग, दो दिन उसको पहुंचने में लगता है, तो ये 3 दिन तो उसके हाथ में नोटिस नहीं है, ठीक है। और जिस दिन मीटिंग है, वन डे दैट इज द डे ऑफ मीटिंग, मैं इसको भी थोड़ी काउंट करूंगा, इसको भी थोड़ी काउंट करूंगा, क्योंकि इस दिन तो मीटिंग में आना है, तो हम मानेंगे कि भैया हमको क्लियर नोटिस नहीं मिला। तो इसीलिए जब आपको कहा जाता है 21 क्लियर डेज का नोटिस भेजना है, तो उन 21 दिनों के लिए आपको एक्चुअली उसको 24 डेज पहले नोटिस भेजना पड़ता है। आपको उसको कितना, 24 डेज पहले नोटिस भेजना होता है। अब समझना सर 24 कैसे। सो आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक कि वाइल कैलकुलेटिंग 21 क्लियर डेज व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, तो आप बोलोगे सर द डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस इज नॉट इंक्लूडेड, 2 डेज दैट इज ट्रांजिट not included, and the day on which the meeting is actually supposed to be held are not counted. So it is 1 plus 2
प्लस वन, दैट मेक्स इट फोर. अरे आई एम सो सॉरी यार, एक छोटी सी गलती हो गई, 25 करना. वन प्लस टू प्लस वन, दैट मेक्स इट फोर. फोर प्लस 21 डेज, 21 डेज तो उसके हाथ में नोटिस रहना ही चाहिए था, तो प्रैक्टिकली आपको उनको 25 डेज पहले नोटिस भेजना पड़ेगा. आपको उनको कितने दिन, 25 डेज पहले नोटिस भेजना पड़ेगा. आर वी क्लियर विथ हाउ वी सेंड द नोटिस? जी सर, काफ़ी हद तक अब आपको क्लियर डेज का भी लॉजिक समझ में आ गया. अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बच्चे. जब आप AGM डील कर रहे होते हो, जब आप AGM के साथ बात करते हो, तो सर इसमें कौन से मुद्दे डिस्कस होते हैं? देखो अब पहली बात समझते हैं कि मुद्दा क्या होता है. मतलब AGM के अंदर वॉट बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड, मतलब जब हम AGM बुलाएंगे तो उसके अंदर हम क्या बात करेंगे ये तो बता दो. तो देखो अब पहली बात समझते हैं कि कितने तरीके के बिजनेस होते हैं. पहली बात हम क्या समझते हैं, कितने तरीके के बिजनेस होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं? पहला होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरा होता है स्पेशल बिजनेस. दो तरीके की चीजें जो आप मुद्दे डिस्कस करते हो मीटिंग के अंदर, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल. सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है? अब एक्ट ने कहीं पे भी स्पेशल बिजनेस क्या होता है ये नहीं समझाया. एक्ट ने कहीं पे भी स्पेशल बिजनेस क्या होता है नहीं समझाया. ठीक है, तो हमने पूछा हमें कैसे पता पड़ेगा. एक्ट ने बोला दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर ऑर्डिनरी बिजनेसेस. सो एनीथिंग जो ऑर्डिनरी नहीं है, एनीथिंग जो ऑर्डिनरी नहीं है वो क्या बन जाएगी, स्पेशल बन जाएगी. वेरी सिंपल. तो याद रखना एक्ट ने कहीं पे भी स्पेशल बिजनेस नहीं समझाया है, उन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस समझाया है. अब सर ऑर्डिनरी बिजनेस बहुत सारे हैं याद करने के लिए, नहीं. एक्ट ने सिर्फ और सिर्फ चार बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ चार बिजनेस प्रोफाइल को ऑर्डिनरी कहा है, बाकी सब कुछ स्पेशल होता है. सर वो चार कैसे याद करेंगे, मैं हूं तो सवाल किस बात का. अड्डा, ए डी डी ए, आप अड्डा याद रख सकते हो, बस यही है आपका ऑर्डिनरी बिजनेस. सर कैसे, जब शेयर होल्डर्स आएंगे तो उनको अपने एनुअल अकाउंट्स दिखाने होंगे, तो डिस्कशन ऑन एनुअल अकाउंट्स, मतलब हमने साल भर में क्या उखाड़ा ये बताना हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये करना ही है. वन थिंग क्लियर. सेकंड, सर अकाउंट्स बताओगे, मतलब बताओगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ है तो आप हमको डिविडेंड दोगे. तो दूसरा डी होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. सर अकाउंट्स बता दिए, डिविडेंड दे दिया. अच्छा ये जो डायरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कम फायदा हुआ है या ज्यादा फायदा हुआ है, इनके अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट की भी तो बात हो जाए. तो तीसरा डी होता है अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स. एंड चौथा ए होता है, जो लास्ट ए होता है. अच्छा सर एनुअल अकाउंट्स दिखा दिए, डिविडेंड दिखा दिया, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रिमूवल हो गया, पर सर इन सब के ऊपर एक बंदा चेक रखता है कि ये सब कुछ सही है कि नहीं है, वो होता है ऑडिटर. उसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल की भी बात कर लेते हैं. सो लास्ट इज अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, समाप्त. ये चार बिजनेस ही ऐसे हैं, ये चार बिजनेस ही ऐसे हैं जिनको एनुअल अकाउंट्स, डिविडेंड और डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स, ये चार बिजनेस ही ऐसे हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस. और इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस हुआ तो वो क्या कहलाता है, स्पेशल बिजनेस. एकदम सिंपल है, समझ में आ गया क्या? याद रहेगा, हमेशा याद रखना, इधर ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों. अब सर अभी तो आपने हमको ये समझाया कि दो तरीके के बिजनेस होते हैं और हमको ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस का मतलब समझ में आ गया, बट वॉट बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड इन AGM ये तो आपने बताया नहीं कि AGM में कौन से मुद्दों पे बात होती है. अब बच्चे हमेशा याद रखना AGM में ऑर्डिनरी बिजनेस
एंड स्पेशल बिजनेस दोनों पे बात की जा सकती है। सर तो इसमें आपने कौन सी रॉकेट साइंस है, वो तो हमको पता ही था, कोई भी मीटिंग के अंदर कोई भी चीज डिस्कस हो सकती है। नहीं, याद रखना कि ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजीएम में ही डिस्कस होता है। यानी कि अगर साल के अंतराल में आपने कोई भी और मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, आपने साल में कोई भी और मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, तो उसमें सिर्फ कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है? स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है। तो यहां क्या सीखने की बात थी, दैट इन एजीएम बोथ ऑर्डिनरी, जल्दी लिख लेना अगर लिखना हो तो, इन एजीएम बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस कैन बी ट्रांजैक्टेड। हाउएवर वन नोटवर्थी पॉइंट इज दैट ऑर्डिनरी बिजनेस कैन ओनली बी ट्रांजैक्टेड इन एजीएम ऑफ द कंपनी, एंड इफ ड्यूरिंग द ईयर एनी जनरल मीटिंग और मेंबर्स मीटिंग इज कॉल्ड, दे शुड ओनली ट्रांजैक्ट एंड दे विल ओनली ट्रांजैक्ट स्पेशल बिजनेस। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था। इसका कोई ऐसा भी मत पूछना कि सर लॉजिक क्या है, क्योंकि देख लो अकाउंट्स तुम साल के एंड में बनाते हो तो एजीएम में ही बात होगी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड साल के एंड में होता है तो एजीएम में बात होगी, डायरेक्टर्स को अपॉइंट रिमूव तभी करोगे ना जब अकाउंट्स बनेंगे, डिविडेंड बनेगा, और ऑडिटर की रिपोर्ट भी साल के एंड में ही आती है। तो इसीलिए ये सारे ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कब डिस्कस होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, प्लीज गलत नहीं करना अपन लोगों ने, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, सो नाउ वी नो कि एजीएम कब करनी है, नाउ वी नो कि नोटिस कितने दिन पहले भेजना है, नाउ वी नो कि इसके अंदर कौन से मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। सो वी आर प्रीटी गुड टू गो अबाउट व्हाट इज एजीएम। अपने नोट्स में इतना नहीं है जितना मैंने आपको अभी भी सिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, एजीएम के ऊपर सच बोले ना तो जितनी बात करो उतना कम है, जितनी बात करो उतना कम है। विकास सर एजीएम के ऊपर दो दो दिन बात करते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली दो घंटे बात करते हैं, मैंने तो सिर्फ आपको 30-40 मिनट का ही बताना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अपने लिए ये बहुत है, बट जब आप आगे बढ़ोगे ना तो एजीएम में सर आपको और बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगे, वो तो एक्चुअली क्लास के अंदर मीटिंग भी करवाएंगे, तो वो उस टाइम की बात है। सारे मजे अपन सी एस ई टी में नहीं ले सकते, ये अपने लिए अपना प्री प्राइमरी एकदम बिल्कुल ऐसा बेसिक्स है। तो जितनी जरूरत थी मैंने आपको उतना सिखाया, ज्यादा ही सिखाया, कम नहीं सिखाया, डरना मत इस चीज में। सो एजीएम की बात कर रहे थे, सेक्शन 96 की बात थी, provides that every company other than an OPC, हमको already पता है कि OPC is not required to hold an AGM, बाकी लोगों को हर साल every year AGM करना है। कौन से businesses transact होते हैं? सर हमको पता है ordinary और special दोनों होते हैं। ordinary का मतलब क्या होता है जल्दी बता देना। सर अड्डा, ADDA, directors का appointment और removal, declaration of dividend, auditors का appointment और removal, and आपके consideration of financial statement, financial statement is nothing but accounts। लो सर इतनी सिंपल चीज थी, ऐसी पता पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो भैया, होल्डिंग ऑफ एन एजीएम, सर होल्डिंग ऑफ एन एजीएम भी बताया, हर कंपनी को सालाना एक मीटिंग होल्ड करनी ही है। और यार एक चीज नहीं बताई मैंने तुमको, आ जाओ पहले इधर ही, ये 15 मंथ्स वाला रूल तुमको पूरा सीख गया था ना। अब यहां पे एक बात याद रखना, एक नहीं एक्चुअली मेरे को आपको यहां पे दो चीजें बतानी है। वैसे का रूल क्या था जल्दी से रिपीट कर दो, वैसे का रूल क्या था? सर वैसे तो रूल ये था दैट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 months फ्रॉम लास्ट एजीएम। अब मैंने यहां पे आपको दो चीजें बताना भूल गया था जो अब बहुत नेसेसरी बताना। ये हर एजीएम के लिए होता है, पर जो आपकी कंपनी की सबसे पहली एजीएम होती है ना, फर्स्ट एजीएम, जो आपकी कंपनी की फर्स्ट एजीएम होती है, इसमें आपको देखो उसमें 15 मंथ वाला तो रूल ही नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट एजीएम थी नहीं। तो जब फर्स्ट एजीएम होगी तब कैसे कैलकुलेट करोगे 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम, है ही नहीं हमारे पास। तो ये चीज तो हट गई। अच्छा एक सेकंड गाइस होल्ड करेगा, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, एक मिनट रुकेगा। हाँ भैया, हाँ जी बच्चों, तो हम ये 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम की बात कर रहे थे,
15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम, पर अपने पास तो लास्ट एजीएम है ही नहीं, तो इसीलिए फर्स्ट एजीएम में 15 मंथ्स का रूल नहीं होता है। फर्स्ट एजीएम में हम क्योंकि समझते हैं भाई, देखो कंपनी का पहली बार है, तो ऐसे में हो सकता है शायद टाइम ज्यादा लगे, तो ऐसे केस में आपको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आपको कितना टाइम मिलता है, 9 मंथ्स का टाइम मिलता है। फर्स्ट वाली एजीएम में आपको हमने 3 महीने ज्यादा दिए हैं कि आप 9 मंथ्स में होल्ड कर लो, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट एजीएम में। सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम। अब आपको यहां पे एक मस्त चीज सिखाता हूं, इसका लॉजिक भी आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। बच्चे मान लो कि किसी कारणवश वो लोग 6 महीने मीटिंग होल्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन, क्या हमको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल सकता है? तो हमने बोला कि एक्सटेंशन चाहिए, तो याद रखना पहली बात, एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू होल्ड द मीटिंग। मतलब अगर आप ये प्रूव कर सकते हो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, आपकी गलती नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू होल्ड द मीटिंग, तो आरओसी चाहे तो आपको एक्सटेंशन दे सकता है। कितने टाइम का? थ्री मंथ्स का। समझ में आ गया? तो मतलब 6 महीने आपके ऑफिशियल टाइम है, पर अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपके इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल मीटिंग होल्ड करना, तो आपको मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो यानी कि जब अगर एक्सटेंशन मिल गया तो आपके पास 9 महीने का टाइम हो जाता है, सही है। अब ये सवाल आता है कि क्या फर्स्ट एजीएम के केस में एक्सटेंशन मिल सकता है? सुनना, क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एजीएम के केस में एक्सटेंशन मिल सकता है, द आंसर इज नो, देर इज नो एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने आपको एक्सटेंशन ऐड करके ही दिया है, हाईएस्ट ही दिया है, उन्होंने आपको 9 मंथ्स ही दिए हैं, इसीलिए देर इज नो एक्सटेंशन इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। पर सब्सिक्वेंट एजीएम में आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा, व्हेन इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो वी आर डन विद दिस 3 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। एक चीज और सिखानी है, और पक्का बात, ये लास्ट है, एजीएम से रिलेटेड लास्ट चीज है। रूल क्या कहता है? दैट देयर शुड बी एन एजीएम एवरी ईयर। अब सुनना, एवरी ईयर का मतलब क्या होता है, ये कहना चाह रहा है कि हर कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी ही चाहिए, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, सही है। ये जो लिमिट विमिट से कही थी वो अलग बात है, पर हर साल में एक एजीएम तो होनी चाहिए, ऑब्वियसली हो ही जाएगी ना। अगर मार्च में आपका साल खत्म हो रहा है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो क्या हुआ सेप्टेंबर 30, मतलब आप कैलेंडर ईयर के अंदर ही हो। अच्छा, एक्सटेंशन भी ले लिया 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब भी आप उसी साल के अंदर हो। तो रूल क्या कहता है कि हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, सही बात है। पर याद रखना, सोचो भाई, अगर आप लोगों ने पहली बार अपनी कंपनी बनाई है और कंपनी बनाई अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अगले महीने में साल खत्म होगा, तो उस साल में कहाँ हुई एजीएम जिस साल में आपकी कंपनी बनी थी? तो देर इज अ चांस कि कभी कभार जब आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो पहले साल में एजीएम नहीं होती है, नेक्स्ट ईयर में एजीएम होती है। तो यहां पर याद रखना, वैसे दिस द रूल इज दैट देयर शुड बी एन एजीएम एवरी इन एवरी कैलेंडर ईयर, बस यहां पे याद रखना, हाउएवर द फर्स्ट ईयर, या फिर आप बोल सकते हो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एन एक्सेप्शन। फर्स्ट ईयर में नहीं भी हुआ तो चलता है, खत्म, बस इसके आगे एक लाइन भी नहीं सिखाऊंगा। और देख लो, सो एजीएम शुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर मींस कैलेंडर ईयर। मैं वापस बोल रहा हूं, इसमें कोई गलती नहीं चाहिए मुझे, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के एंड में होता है, पर हर एजीएम एक कैलेंडर ईयर में। यहां पे एवरी ईयर में फाइनेंशियल ईयर क्या है, मैं तुम्हारा गले घोट दूंगा, ठीक है। फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सही बात है, इसमें 9 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर गिनना है। हाउएवर एन एजीएम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एमसीक्यू,
All the subsequent AGM shall be held within 6 months from the end of financial year. The gap between two AGM should not exceed 15 months. एक एक चीज़ आती है सारी की सारी, एक मिनट देखना, ये चार लाइन सिखाने के लिए अगर तुमको बताओ तो अपन ने इतना डिस्कशन किया है ये चार लाइन सीखने के लिए. दिस इज व्हाट वी से इज शेयर लॉजिक्स. ये याद रहने चाहिए आपको, जब विकास सर आगे पढ़ाएंगे तो मेरी इज्जत मत डुबाना. इतना सिखाया तुमको सिर्फ चार लाइन के लिए, चाहता तो ये चार लाइन करके यहीं 5 मिनट खत्म कर देता इसको. आ जाओ अब आता है डिफॉल्ट ना. इन चारों हस्ती को तो आप जानते होंगे. सो अगर आपने एजीएम होल्डर में डिफॉल्ट किया तो ये आपको इसी प्रकार से देख रहे होंगे जैसे आप इनको स्क्रीन में भी देख रहे हैं. तो भैया सेक्शन 99 आपको फाइंस एंड पेनल्टीज की बात करता है, फाइंस की बात करता है. दैट इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी, तो कंपनी को भी फाइन लगाएंगे और उसके अंदर जो काम करते हैं उसको भी फाइन लगाएंगे. हुज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपए का तो जुर्माना लगाएंगे आपको. और अगर तुम नहीं मान रहे हो फिर भी डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हो तो इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जा रहा पर तुम डिफॉल्ट करेक्ट नहीं कर रहे, विद अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड 5,000 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज. तो सर हमको समझ में आ गया, यहाँ पे फाइन दो साइड पे है. 1 is 1 lakh rupees, ये तो सीधा मुंह पे लग जाएगा आपके फाइन. और फिर एवरी डे 5,000 रुपये, एवरी डे 5,000 रुपये का फाइन चलता रहेगा जब तक तुम अपना डिफॉल्ट कंटिन्यू करते रहेगा. एकदम ठीक है का? सेक्शन 99 पेनल्टी की बात करता, सेक्शन 96 एजीएम की बात करता, सेक्शन 99 पेनल्टी की बात करता. सेक्शन याद चाहिए. अब सर दूसरा वर्ड आपने जो लिखा है ना वो है मीटिंग ऑफ बोर्ड. क्या लिखा है? मीटिंग ऑफ बोर्ड. ठीक है भैया. अब मीटिंग ऑफ बोर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मीटिंग ऑफ बोर्ड में क्या है देखते हैं. सर आपने पिछले में आपने बताया था कि हमको दो तरीके की मीटिंग आती, एक मेंबर्स मीटिंग आती, दूसरी बोर्ड मीटिंग आती. हमको अभी बोर्ड मीटिंग सीखने का है, सिखाओ. यार एक्चुअली ना ये लेक्चर अपन थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करेंगे. क्यों? क्योंकि मेरे वो जो एडिटर है ना जो आपके वीडियोस एडिट करके आपको देते हैं वो नीचे आने वाले हैं, उन्हीं का फ़ोन आया था. तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करें. एंड आई एम वेरी सॉरी, अभी मतलब नहीं ख़त्म कर रहे बट वैसे मेरा मन था कि इस लेक्चर को इसी में अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे, 1.5 घंटे का लेक्चर रख के. बट ये अपन 45 मिनट्स के आसपास पे रोक देंगे और एक और लेक्चर रहेगा जिसमें अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो अभी अपन बात कर रहे हैं किस चीज़ का? बोर्ड मीटिंग. सर बोर्ड मीटिंग का मतलब पता है, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन लेते हैं. तो अब सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल याद रखना. आपकी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है ना, अब बच्चे पहले क्या होता था ना, इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती थी. पहले वाले कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरी का मतलब होता था कंपलसरी मीटिंग करनी पड़ती थी जिसमें सारे मेंबर्स आते थे, सब एक बार मिलते थे, बात करते थे कि हम शुरू कर रहे हैं. अभी वो रूल चेंज हो गया, देयर इज नो स्टैट्यूटरी मीटिंग. तो उन्होंने मेंबर्स की स्टैट्यूटरी मीटिंग हटा दी एक्चुअली. एक मिनट हाँ, तो अब क्या आ गया, इनकॉर्पोरेशन से जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर आई है वहां से 30 डेज के अंदर, इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर आपको एक बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी है. आपको एक बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी है. श्योर है? सिंपल है, क्लियर है? अब ये तो एक रूल है दैट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन There should be one board meeting within 30 days. ये तो हो गया. Second rule. एक financial year में कितनी board meetings होनी चाहिए? एक financial year में कितनी board meetings होनी चाहिए? अब याद रखना, in a financial year, there shall be at least four board
मीटिंग्स. अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू सिग्निफाई आउट हियर कि भाई इन ईच क्वार्टर देर शैल बी वन मीटिंग. क्वार्टर मंजे का है पौआ? नहीं रे बाबा, क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने का स्लॉट. तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो अप्रैल में जून एक मीटिंग होनी चाहिए, जुलाई अगस्त सितंबर एक मीटिंग होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक मीटिंग होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च एक मीटिंग होना चाहिए. तो हर क्वार्टर के अंदर मिनिमम एक मीटिंग होनी चाहिए. एटलीस्ट 100 मीटिंग करो, हमको तकलीफ नहीं है. पर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज ईच क्वार्टर में एक मीटिंग तो होनी ही चाहिए. सिंपल, ठीक है. सर इसमें कुछ ऐसा है क्या, मतलब वो एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग के बीच में कुछ गैप? यस, सो देयर शुड बी अ बोर्ड मीटिंग इन ईच क्वार्टर. लेट्स से वी आर मेकिंग 4 क्वार्टर्स, 3 आपके मतलब क्वार्टर यहां पे, मतलब वो वाला क्वार्टर गंवार साले. ठीक है, 3 क्वार्टर ही रखते हैं अभी के लिए, 3-3 महीने. ये एक बोर्ड मीटिंग हुई एक क्वार्टर में. याद रखना, एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप ज्यादा से ज्यादा 120 डेज हो सकता है. इसके अंदर में दूसरी बोर्ड मीटिंग हो ही जानी चाहिए. सो द रूल सेज दैट, अब मैंने आपको ना 3 रूल सिखाए, अपन यहां पे लिख लेते हैं. 1, within 30 days of incorporation a board meeting should be called and held. 4 board meetings in a financial year shall be done. In a financial year 4 board meeting honi chahiye. Aur kya bataya? The gap between 4 board meeting in each quarter likh deta hu, to aapko yaad rahega. In each quarter ek to honi chahiye. Gap between 1 board meeting to another board meeting shall not exceed 120 days. Simple enough? Very clear? जी सर, काफी क्लियर है हमको, समझ में भी आ गया होगा आपको. दैट्स इट. अच्छा, नोटिस इनको कितने दिन, आपको मैंने एजीएम में नोटिस कितना सिखाया था, 21 दिन. इनको कितने दिन का नोटिस लगता है? 7 डेज नोटिस. 7 क्लियर डेज नहीं लिखा है, नॉर्मल 7 डेज लिखा है, कोई गोबर मत करना. 7 डेज नोटिस लगता है इनको. कहां पे भेजते हैं इनके नोटिस? इनके ईमेल आईडी पे भेज देते हैं इनका एक तो नोटिस, और अगर इन्होंने अपना जो रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है वहां पे भी हम नोटिस भेज देते हैं, पर आज के टाइम में ईमेल आईडी पे काम हो जाता है. देखो भैया, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अ मिनिमम ऑफ 4 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर एंड द गैप बिटवीन 2 सच मीटिंग्स शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज. इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई, डॉर्मेंट कंपनी हो गई. अच्छा, ये सारी कंपनी के नाम मैंने आपको पहले सिखाए हुए हैं, ठीक है. तो अगर आप 1 पर्सन कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो या डॉर्मेंट कंपनी हो, तो एटलीस्ट अब आपके इसमें क्या हो गया, क्योंकि आप छोटी कंपनी हो, ओपीसी है छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी हो छोटी कंपनी हो, या फिर डॉर्मेंट. डॉर्मेंट मतलब क्या? यू आर नॉट वर्किंग. अगर आप ऐसे हो तो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर, ठीक है. आपको 2 ही बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर करनी है, ज्यादा करनी करो, पर आपको 2 कंपलसरी है. सर 2 कब कब करनी है? ऊपर तो आपने क्वार्टर सिखाया, यहां पे क्योंकि यहां पे 2 ही है, तो इन ईच हाफ मतलब 6 महीने में एक मीटिंग हो जानी चाहिए और दूसरे 6 महीने में एक मीटिंग हो जानी चाहिए. ये एक लाइन याद रहेगी. इसमें और भी कुछ सिखाना है मेरे को, भी रुक जाओ. इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई एक बात. एंड देखो ऊपर है ना, मैंने आपको बताया था कि एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में ज्यादा से ज्यादा 120 दिन का गैप हो सकता है. हम बोल रहे हैं भैया यहां तो तुम 2 ही मीटिंग कर रहे हो, तो थोड़ा गैप दो. ऐसा नहीं तुम रूल पूरा करने के लिए एक मीटिंग रखो, 20 दिन बाद दूसरी मीटिंग रखो, खत्म. ये तो मजाक हो जाएगा. तो इसलिए इसने बोला कि द गैप
बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स शैल एटलीस्ट, मतलब कम से कम इतना गैप रखना, बी 90 डेज, कम से कम 90 दिन का गैप रखना एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग में। ये किन के लिए? डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी। सिंपल है, आ जाओ रीड करते हैं। इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एटलीस्ट वन मीटिंग शैल बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर। बच्चे इन चीजों का ध्यान देना, एजीएम हर एक एजीएम हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। इनके लिए यहाँ पे कैलेंडर ईयर यूज हो रहा है, तो बेटा ध्यान रखना कहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है, कहाँ पे कैलेंडर बोल रहा है। कैलेंडर मतलब 1 जनवरी से 30 दिसंबर, और कहाँ पे अपन फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं मतलब 1 अप्रैल से 30 मार्च। एंड द मिनिमम गैप बिटवीन दीज टू मीटिंग शैल बी एटलीस्ट 90 डेज। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी हैज टू फाइल द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड एजेंडा टू आरओसी इन ईएमजीटी 14। तो आप लोगों को जो भी बोर्ड मीटिंग में आपने डिसीजन लिए हैं वो ई फॉर्म एमजीटी 14 के थ्रू आप फाइल कर देते हैं। ठीक है, खत्म। आई थिंक इसके बाद बस अब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, ज्यादा बहुत कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और हार्डली 2-3 पेजेस, 4 पेजेस है मेरे हिसाब से ये। तो अब अपन इनके ऊपर बात करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल है, मतलब मैं इसके ऊपर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं करवाने वाला। एक सेकेंड, ये तो नया चैप्टर ही आ गया, ये तो हो ही चुका है, खैर मतलब सो ये हो गया, छोटा सा पार्ट बचा बच्चे। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वील टेक 35-40 मिनट्स एंड वील बी डन विद दिस, एंड विद दिस ऑफिशियली आपका सारा पढ़ने वाला काम खत्म हो गया, अब सिर्फ रीजनिंग वाला चैप्टर बचा है जिसमें हार्डली मैं 1 या 2 लेक्चर्स दूंगा, एंड वी आर डन विथ योर सीएसईटी पोर्शंस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत ईजी लगा होगा, एंड ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, नहाते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।